सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर चैनल नोएडा रियल्टी। सो गाइज, वी आर बैक विद अ न्यू प्रॉपर्टी कंटेंट। जैसा कि हमने आपको कमिट किया था, वील बी कवरिंग प्रॉपर्टीज इन यमुना एक्सप्रेसवे। सो दिस टाइम वील बी टेकिंग यू टू अ डिफरेंट रेसिडेंशियल सोसाइटी लोकेटेड इन यमुना एक्सप्रेसवे। करंटली अगर यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो इट इज द हॉटेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन NCR रियल एस्टेट मार्केट। देर आर मल्टीपल रीजन टू दिस बूम। सो गाइज, लेट्स टेक यू टू दिस वंडरफुल रेसिडेंशियल सोसाइटी। इसका नाम है ओएसिस ग्रैंड स्टैंड। ओएसिस ग्रैंड स्टैंड की अगर हम बात करें, एयरपोर्ट से जब आप परी चौक की तरफ आएंगे तो दिस इज द फर्स्ट हाई रेसिडेंशियल डेवलपमेंट अलॉटमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स हो गई, प्लान रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया। बिहाइंड दिस एंटायर ग्रोथ इज द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के साथ अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे इज देयर, ईस्टर्न पेरिफेरल आ जाता है, 130 मीटर लिंक रोड इज देयर, कनेक्टिविटी में योर मेट्रो वुड बी देयर, एयरपोर्ट टैक्सी वुड बी देयर। सो देयर आर मल्टीपल रीजन मेकिंग दिस पर्टिकुलर लोकेलिटी वेरी पॉपुलर। एज वी से, दिस इज लोकेटेड बैंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। आप देख सकते हैं, दिस इज योर यमुना एक्सप्रेसवे। देयर इज अ सर्विस लेन कनेक्टिंग यू टू द एक्चुअल साइट। लोकेशन की बात करें तो ओएसिस ग्रैंड स्टैंड इज लोकेटेड इन सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे। सेक्टर 22D की अगर हम बात करें तो इट हैज इट्स ओन एडवांटेज। लोकेलिटी के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो अराउंड 1.5 किलोमीटर के गैप पे आपको पतंजलि का प्रोसेसिंग यूनिट मिल जाती है, दैट इज बीइंग डेवलप्ड इन 450 एकर्स। उसी के साथ अगर नियर बाय डेवलपमेंट की बात करें तो योर वीवो वुड बी देयर, लावा वुड बी देयर, सो देयर विल बी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थ्रू। सो दिस इज द व्यू ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम यमुना एक्सप्रेसवे। अब अगर यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी बूम की बात करें तो जिस हिसाब से आपने देखा होगा प्रीवियस वन ईयर में, योर रेसिडेंशियल प्लॉट्स हैव गॉन वे टू हायर। और अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बाइंग अ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट इज बिट मोर सेफर। आपको इजी लोन फैसिलिटी मिल जाती है, नो फर्दर कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड। अपार्ट फ्रॉम द सेम, अगर रेंटल रिटर्न की बात करें तो दैट इज ऑल्सो गुड। सो करंट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज योर ग्रीन बेल्ट दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय द बिल्डर। प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 9.2 एकर्स का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर टोटल आपके 11 टावर्स हैं। सारे ही टावर्स का जो नाम है दैट इज रिलेटेड टू योर एफएन रेश। अब जो 11 टावर्स है, अगर इनके बायफर्केशन की बात करें तो आपको फेज 1 और फेज 2 का डेवलपमेंट इसमें मिल जाता है, जिसमें फेज 1 में आपके 8 टावर्स हैं, दैट विल बी पोजेसिंग दिस ईयर, और फेज 2 में आपके 3 टावर हैं, दैट कम्स अंडर फ्यूचर डेवलपमेंट। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो 2,162। प्रोजेक्ट के एश्योरेंस की बात करें तो द प्रोजेक्ट इज बीइंग फंडेड बाय SBI थ्रू स्वामी फंड। स्वामी फंड की अगर हम बात करें तो SBI कैफ वेंचर्स ने जो फंड दिया है, दैट यू विल बी गेटिंग द पोजीशन इफेक्टिवली दिस ईयर ओनली, बिकॉज़ द प्रोजेक्ट इज वेल बैक्ड अप फाइनेंशियली। प्रोजेक्ट के ऑफरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के वेरिएंट्स मिल जाते हैं। 1 BHK का जो साइज है दैट इज वेरी इफेक्टिव, 790 स्क्वायर फीट में आपको 1 BHK मिल जाता है। बेसिकली वो 1 BHK प्लस किड्स का वेरिएंट है, एंड दीस साइजेस गोज अप टू 1495 स्क्वायर फीट। प्रोजेक्ट की बात करें तो दिस इज अ पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट। देयर विल बी जीरो व्हीकलर मूवमेंट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। जितना भी आपका व्हीकल मूवमेंट होगा दैट विल बी बिलो द पोडियम एरिया। वी विल बी कमिंग अप विद डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ ओएसिस ग्रैंड स्टैंड इन द कमिंग वीडियो। सो दिस इज द एक्चुअल टावर एलिवेशन। यमुना एक्सप्रेसवे पे अगर आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो दी अथॉरिटी प्लॉट्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 300 मीटर हैज ऑलरेडी गॉन वे टू हायर। बट अगर ओएसिस ग्रैंड स्टैंड को अगर हम देखें, यू गेट अ सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 30 लाख। दिस इज योर एक्चुअल टावर एंट्रेंस एरिया। दिस इज योर वेटिंग लॉन्ज एरिया, और ये आपका रिसेप्शन एरिया हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रोथ को कंसिडर करें तो दिस विल ब्रिंग इफेक्टिव रेंटल रिटर्न इन द कमिंग टाइम। एंड दिस पर्टिकुलर एरिया इज योर टावर लॉबी एरिया। दिस इज योर लिफ्ट एरिया। जो वेरिएंट हम विजिट करने वाले हैं, ये आपका प्रॉपर 2 BHK वेरिएंट है जो 1045 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इस पर्टिकुलर लेआउट के एडवांटेज की बात करें तो इसमें आपको ड्रॉइंग और डाइनिंग एरिया सेपरेट मिल जाता है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस लेआउट। एंटर करते ही आपको एक ड्राइंग एरिया मिल जाता है जिसका डायमेंशन 11x13 का है। अपार्ट फ्रॉम द सेम, ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया जिसका डायमेंशन 10x3x87 अप्रॉक्स है। जनरली अगर आप 2 BHK का लेआउट देखेंगे तो आपको ड्राइंग डाइनिंग एरिया एक साथ मिलता है, बट यहाँ पे दैट इज सेपरेट। सो नाउ मूविंग फर्दर, दिस इज योर किचन एरिया, 7x6x9 का डायमेंशन है इसका। दिस डज हैव अ कनेक्टेड बालकनी।
प्राइस रेंज की बात करें तो दैट इज ऑलरेडी मेंशनड इन द डिस्क्रिप्शन। साइज वाइज प्राइस हमने मेंशन किए हुए हैं। सुना स्टार्टिंग विद दी कॉमन वॉशरूम 7x5 का डायमेंशन है इसका। ये कॉमन वॉशरूम है जो आपके सेकेंडरी बेडरूम से भी एक्सेस हो सकता है। So now moving further with the secondary bedroom, 10.5x10 का dimension है इस particular bedroom का। This does have a balcony connected. Yamuna Expressway पे अगर 2 BHK की बात करें, तो this can bring you effective rental returns in the coming future. And this is your master bedroom. 10x3x11 का dimension है इस particular bedroom का। इस particular bedroom में आपको एक French window भी मिल जाती है। In this bedroom, you get an attached washroom along with the interconnected balcony. Washroom के dimension की बात करें, तो 5x7.5 का dimension है इस particular washroom का। To know more about Oasis Grandstand, you can connect us on the number mentioned on the screen. Apart from the same, आप हमें comment box में भी comment कर सकते हैं। We'll be connecting you back. In case आपको हमारा video content पसंद आया हो, तो हमारे channel को subscribe करें और video को share और like करें। So we'll be coming up with more such content. Till then, stay tuned. Thank you for watching.